आज की इस वीडियो में दोस्तों बात होगी कि किस तरीके से हम लोग अपने YouTube वीडियो पे जो एंड स्क्रीन लगाते हैं उसको मोबाइल में जो मोबाइल यूजर हैं वो किस तरीके से उसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो भी नया चैनल खोले हैं उनके लिए भी बिल्कुल आसान ट्रिक होगी, बस शुरू से अंत तक आप लोग देखते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसको ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने के बाद अगर आप चैनल पे मतलब चैनल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो आपको प्रोसेस पता ही होगा कि पहले डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं, उसके बाद अपने चैनल को ओपन करने के बाद है ना माय चैनल पे जाते हैं, मतलब योर चैनल पे जाते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाता है। ये ओपन होने के बाद क्या करते हैं, जो कस्टमाइज चैनल है ना कस्टमाइज चैनल, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो होते हैं वो आ जाते हैं सारे। तो उसको किस तरीके से हम लोग एंड स्क्रीन का उपयोग करेंगे उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ओपन होगा है ना। ओपन होने के बाद आप जो साइड पे देख रहे होंगे एक वीडियो का जो प्ले बटन का आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, हम हाईलाइट कर देंगे एरो से, तो उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। ये क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियो आ जाएंगे जो आपने अपलोड किए होंगे है ना। तो उसमें किस तरीके जिस वीडियो पर आपको एंड स्क्रीन का उपयोग करना है तो उस वीडियो पे आप इसे क्लिक करेंगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, ये पेंसिल के आकार पेंसिल का ऑप्शन है, सारे जो ऑप्शन है आ जाएंगे। तो आप क्या करना है, पेंसिल वाले पे क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया आपने, क्लिक करने के बाद आपका ये इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप इस साइड पर देखेंगे, राइट साइड पर ये एंड स्क्रीन कार्ड का हर चीज़ का ऑप्शन होगा। तो एंड स्क्रीन आपको लगाना है तो किस तरीके से इसमें लगाएंगे, ये पेंसिल का जो आकार है इस पर क्लिक करेंगे। ये इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये हमने पहले से लगा रखी है तो ये आपको एक शो कर रही है ना। अब इसको एक शो कर रही है और हमें लगाना है, मान लीजिए इनको इस तरीके से मतलब हाथ से इसको छू के इधर उधर भी सेट कर सकते हैं ना। अब इसमें एक लगी हुई है, मान लीजिए हमें एक और लगाना है, हमें एक प्रकार से देख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन बटन और एक वीडियो लगाना है। तो शो किस तरीके से लगाएँगे, तो सबसे पहला काम रहेगा जो नीचे देखिए आप जो प्लस का आइकन दिख रहा है ये वाला है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये बोर्ड एक आ जाएगा, तो इस पर होगा वीडियो प्लेलिस्ट सब्सक्राइबर सब्सक्राइब चैनल लिंक है ना। आपको जो भी इसमें ऐड करना है तो ऐड करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो ऐड करना है तो वीडियो पर क्लिक करके, वीडियो पर क्लिक करने के बाद उस पर क्या करेंगे, चूज़ स्पेसिफिक वीडियो। ऊपर देखिए आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, मोस्ट रिसेंट अपलोड, बेस्ट ऑफ व्यूअर और चूज स्पेसिफिक वीडियो। अगर आपको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक वीडियो जो आपने अपलोड की है उसको चूज़ करना है अपने हिसाब से, तो इस पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे वाले पे, और तो आपकी वीडियो ओपन होकर आ जाएंगी। अब आपको जिस वीडियो को इसके एंड स्क्रीन पर लगाना है तो उस पर टच करके उस पर लगा देंगे है ना। मान लीजिए हमको ये लगाना है व्यू वंस फीचर, जो व्हाट्सअप का वंस फीचर, उसको लगाना है एंड स्क्रीन पर, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके साइड पे आ गई होगी। इस पर क्लिक करके ये देखिए ये वाली आ गई है ना। तो इसको किसी कहीं भी लगा सकते हैं, इसको टच करके यहाँ भी आपको सूटेबल दिखे वो लगा दीजिएगा। ये लगा दिए ठीक, उसके बाद आपको क्या, एक सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब का बटन जो आता है आपका चैनल का लोगो, उस पर क्लिक करने के बाद कोई भी क्लिक करेगा उस पर तो सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आ जाएगा है ना। तो वो किस तरीके से लगाते हैं, तो ये प्लस वाले आइकन फिर से क्लिक करेंगे, और फिर से क्लिक करने के बाद इस पे जो ऑप्शन है वीडियो प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर तीसरे नंबर पर, तो इस पे क्लिक करेंगे सब्सक्राइब जो ऑप्शन है इस पे, ये क्लिक कर दिया तो सब्सक्राइब बटन ऐड हो गया होगा। ये देखिए ये ऐड हो गया है ना। अब इसको जहाँ भी आपको लगाना है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा दीजिए, हमने यहाँ पर लगाना है तो यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर ये सेव का ऑप्शन देख रहा होगा तो सेव जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर दीजिए आप लोग। ये सेव करने के बाद आपको वीडियो जो होगा सेव हो जाएगा, जो भी आपने एंड स्क्रीन लगाई हुई हैं वो अब लग चुकी हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, थैंक यू।